नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज करते हो। तो प्लीज दोस्तों डिलीट मार दीजिए, रियली आपकी बात की जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो कि सोशल मीडिया से डायरेक्टली आप कनेक्टेड रहते हैं, बाय ट्विटर, स्पॉटिफाई और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन दी गई है जिसमें आपको खतरा है अपनी सिक्योरिटी से और पासवर्ड जैसे लीक होना और आपका यूजर आईडी लीक होना, ईमेल आईडी लीक होना, आलतू फालतू के मैसेज आते रहना, कॉलिंग आने आती रहना। तो गाइस इस तरीके की प्रॉब्लम जो कि गाइस डिटेक्ट की गई बाय गूगल। तो फर्स्ट जो है वो है मैजिक फोटो लैब, फोटो एडिटर एप्लीकेशन है जो कि बैन कर दी गई है। और दूसरी आती है ब्लेंडर फोटो एडिटर, इजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर, ये भी बैन कर दी गई है। फाइनली पिक्स फोटो मोशन एडिट 2021, ये भी बैन कर दी गई है। मतलब तीन एप्लीकेशन बैन कर दी गई हैं। आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है तो आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगी, लेकिन गूगल ने अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिए हैं। जिसमें गाइस आइडेंटिफाई किया गया कि जो यूजर के फेसबुक अकाउंट थे, ट्विटर अकाउंट थे, इंस्टाग्राम अकाउंट थे, व्हाट्सएप अकाउंट थे, मतलब इनका डेटा एक तो लीक हो रहा था, चैटिंग लीक हो रही थी और ऊपर से जो आपने पासवर्ड डालते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके और बाकायदा कोडिंग भी सेंड की जा रही थी उस टाइम की। तो ऐसी प्रॉब्लम देखते हुए गूगल ने ये सारी तीनों एप्लीकेशनों को डिलीट मारा है। मेनली गाइस ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन थी, बहुत ज्यादा यूजर डाउनलोड करते थे और सबसे बड़ी बात ये हो जाती थी तब इन्हें लॉग इन करना होता था, मतलब साइन अप करने के लिए। ये सीधे जो मांगता था फेसबुक से मांग लेता था, आपके इंस्टाग्राम से मांग लेता था, स्पॉटिफाई से मांग लेता था और मतलब अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मांग लेता है। जिसमें गाइस ये बात है आपकी पीछे मतलब अकाउंट खोल के या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था जो कि मार्केट में शेयर ही करता था, उससे ये पैसा भी कमाई लेते हैं अच्छा खासा। तो गाइस फाइनली गूगल ने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ऐसी एप्लीकेशनों को अपने पास से तो रिमूव मार दिया, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यूज कर रहे थे तो आपको भी डिलीट करना चाहिए, जो कि गाइस ये हार्म पहुंचा सकती है आपको मोबाइल को, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी बैंक डिटेल को। क्योंकि गाइस ये तो मतलब डेटा ट्रांसफर होते हुए पकड़ी गई, इन्होंने क्या क्या पहुंचा रखा है, कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, ये तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि जो यूजर यूज कर रहे थे उनका जो करंट डेटा था वही पकड़ा गया। जो ले चुकी है कंपनी वो तो डेटा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो चला गया डिजिटली, उसे पूरा रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं होता, जो कि गाइस कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम की बात है। तो दोस्तों आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, प्लीज ये हमारे तरफ से सजेशन है आपके लिए, तो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो ये एप्लीकेशन अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहिए आजकल एप्लीकेशन के मामले में, कोई आलतू फालतू एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, जो जेन्युइन एप्लीकेशन है उन्हें इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। अनदर कभी कभी होता है कि यार मेरे मोबाइल में अचानक से अपने आप ही मैं सुबह उठता हूँ, दो तीन एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, तो गाइस जो यूज कर रहे हैं वही यूज करिए, बाकी सब डिलीट मार दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली है जो कि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में एप्लीकेशन स्टोर करती रहती है, उसके लिए वो पैसा लेती है अनदर कंपनियों से और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही है। एक तो आपकी मतलब जो स्टोरेज है वो से भरती है, रैम को खाली करती रहती है, क्योंकि 24 घंटे प्रोसेस रहता है तो कहीं ना कहीं वो हीट अप रहने की प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग जल्दी डाउन हो जाती है, रात में रखते रखते मोबाइल डाउन हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आने लगती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।